हेलो स्मार्ट पीपल्स, वेलकम टू माय चैनल बीइंग आइडियल। मेरा नाम है अमन और आज हम जानेंगे बेनिफिट्स ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स, यानी वीडियो गेम्स खेलने के फ़ायदे। आपने देखा होगा, आपके पेरेंट्स आपको बोलते होंगे क्या दिन भर वीडियो गेम्स खेलता रहता है, आंखें खराब हो जाएंगी, दिन भर गेम्स खेल खेल कर तेरे दिमाग ठस हो गया है। नुकसान तो सब बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा वीडियो गेम्स खेलने के फ़ायदे। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन, वीडियो गेम्स मेक्स यू स्मार्टर। 2013 में प्लोस वन ने रिसर्च पब्लिश की थी, जिसमें रिसर्चर ने 5 नॉन गेमर्स के ग्रुप बनाए। उसमें से 4 ग्रुप को अलग अलग कैटेगरी के गेम्स खेलने को कहा, 1 आवर्स डेली फॉर 1 मंथ, और 1 ग्रुप को वीडियो गेम्स खेलने से दूर रखा। उसमें पता चला कि उन 4 ग्रुप्स के लोगों के कोगिनेटिव फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आया। लाइक उनका टेस्ट लिया गया तो जो गेमर्स वाले ग्रुप थे वो शॉर्ट टर्म मेमोरी टास्क को आसानी से कर पा रहे थे, एज कम्पेयर टू दोस्त जिन्होंने गेम नहीं खेला। सेकेंड, प्लेइंग वीडियो गेम्स रिड्यूसेस एंजाइटी। 2010 में साइंटिस्ट ने अमेरिकन प्लान सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में एक रिसर्च प्रेजेंट की। उसमें बताया गया कि अगर हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, स्पेशली वर्चुअल रियलिटी गेम्स, तो वह हमारे एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और तो और जो दर्द हमें क्रॉनिक इलनेस के कारण होता है उसे भी कम करता है। वह ऐसे कि जब हमें दर्द होता है और हम वीडियो गेम्स खेलते हैं तो हमारा माइंड दर्द से डाइवर्ट होकर वीडियो गेम्स में लग जाता है, जिससे हमें ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता। यही तरीका पेशेंट्स पे अप्लाई किया जाता था। पेशेंट्स को दर्द होता था, उनको वर्चुअल गेम्स खेलने को कहा जाता था और उनको दर्द थोड़ा कम महसूस होता था। नंबर 3, वीडियो गेम्स कैन इम्प्रूव योर विज़न। हाँ, ये सच है। हम आज तक यही सुनते आए हैं कि वीडियो गेम्स से हमारी आंखें खराब होती हैं, बट ये सच नहीं है, बल्कि वीडियो गेम्स से तो हमारी आंखों की विज़न इम्प्रूव होती है। लेकिन ये तभी होगा जब आप सिर्फ 1-2 आवर्स ही गेम खेलो। एक रिसर्च में 10 नॉन गेमर्स लड़कों को FPP एक्शन गेम खेलने को कहा, 1 घंटे तक डेली 3 आवर्स, और रिजल्ट ये था कि वो 10 लड़के बाकी लड़कों से ज़्यादा क्लियरली ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे थे ऊबड़ खाबड़ जगह में। है ना इंटरेस्टिंग। नंबर 4, गेमर्स में हैव बेटर सोशल स्किल्स। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, वो शाय होते हैं, ना ही वो किसी से ज़्यादा बातें कर पाते हैं। लेकिन वही बच्चे जब वीडियो गेम्स में लग जाते हैं तो उनको बात करने का और फ्रेंड्स बनाने का टॉपिक मिल जाता है। जैसे, अरे भाई तू पबजी खेलता है? शाय पर्सन बोलेगा, हाँ भाई खेलता हूँ, और उन दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनके पास अपने कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए बात करने का टॉपिक मिल गया है। वहीं वो शाय बच्चे ऑनलाइन गेम्स में अपने न्यू फ्रेंड भी बना सकते हैं। तो गाइज, ये थे वीडियो गेम्स खेलने के बेनिफिट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर वीडियो गेम्स खेलो, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा करने से नुकसान होते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। इसलिए वीडियो गेम्स खेलें, लेकिन लिमिट में। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।